नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द नेगी में। आज हम आपको हमारी पोल्ट्री फार्म की ताज़ा अपडेट्स देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं आज पोल्ट्री फार्म में क्या क्या खास हुआ। ये है हमारा बैच नंबर 23 जो कि फार्म से जाना स्टार्ट हो गया। तो ये जो है आज सुबह एक गाड़ी इसमें से जा चुका है और बाकी ये बचा हुआ चूजा है, बचा हुआ चिकन है जो अब उठना शुरू हो गया। तो 2-3 दिन में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा उठ जाएगा। और दूसरे फार्म में जो है हमारा बैच नंबर 24 जो है वो चल रहा है, तो वो दिखाते हैं आपको। और ये हमारे फार्म में जो है काफ़ी बड़ी बड़ी घास हो गई थी, तो उसको जो है हम लोग जो है इसमें हैरो करवा रहे हैं ताकि जो है बड़ी बड़ी घास जो है ख़त्म हो जाए। दूसरी साइड में जो है बैच नंबर 24 था जो जाना शुरू हुआ, सॉरी 23 था, और ये बैच नंबर 24 है जो कि अब जो है जाना स्टार्ट होगा। और इसमें आज सुबह सभी चूजों का नियमित स्वास्थ्य चेकअप किया गया है। डॉक्टर ने बताया कि सभी चूजे जो हैं वो ठीक हैं और उनका विकास सही ढंग से हो रहा है। चूजों को आज विशेष प्रकार का हाई प्रोटीन फीड दिया गया है ताकि उनका वजन तेजी से बढ़ सके। फीडिंग टाइम जो होता है हमारा सुबह 8 बजे और शाम को जो है 3 से 4 बजे के बीच में रखा गया है। पानी की सप्लाई जो है हमारे यहाँ पे पानी की स्वच्छता का खास ध्यान रखा गया है। सभी वाटर डिस्पेंसर्स को साफ किया गया और नया पानी डाला गया। पानी में विटामिन सप्लीमेंट मिलाए गए हैं ताकि चूजों की इम्यूनिटी मजबूत हो। और फार्म की सफाई की प्रक्रिया हर दिन की तरह आज भी की गई। साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है ताकि बीमारी से बचा जा सके। ये हमारा 24वां बैच है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा 24वां बैच 25 से 50 चूजों का आया था और उनकी हेल्थ और ग्रोथ पर लगातार नजर रखी जा रही है। यह बैच अब पूरी तरह से फार्म में अडेप्ट हो चुका है और सभी चूजे स्वस्थ हैं। फार्म में मौसम का असर, आज हल्की हल्की बारिश जो है आसपास के इलाके में हुई थी, कल शाम को हुई थी और आज भी ऐसा लग रहा था कि हल्की हल्की बारिश होगी लेकिन हुई नहीं, जिससे फार्म में थोड़ी नमी जो है बढ़ी है। इसका खास ध्यान रखते हुए हमने चूजों को गर्म रखने के लिए जो है सुबह जो है वो शाम को जो है डाउन किए थे, पर्दे ऊपर किए थे और अभी डाउन किए सुबह मॉर्निंग में। और हमारी टीम ने जो है चूजों का देखभाल में पूरा सहयोग किया। सभी कर्मचारी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अगले हफ्ते फार्म में कुछ नए सुधार लाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें कुछ नए फीडिंग सिस्टम और बेहतरीन वेंटिलेशन का इंतजाम शामिल है। हाँ एक जो ना साफ नहीं होगा, अरे हरे गुड़ का पानी नहीं मिला, पिला रहे हो? अच्छा इसकी जगह पे यहाँ दूध करता ना, कल 3 दिन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम क्वांटिटी कम कर दो, 3 दिन चला रहे हो। साफ हो गया बिल्कुल चाय होने से। तेरे पापा मरवा देना उसको तुरंत ही, कल लगवा दो सुबह। ये है हमारे यहाँ पे कद्दू, कद्दू की बेल। कितने कद्दू ले चुके हैं हम इस रिंग को अभी तक? हाँ ले गया एक बाबू भाई ले गया, 4 और 3 5। और इससे पहले कितने ले जा चुके हो? ये जबरदस्त कद्दू की बेल लगी हुई है, पंपिन जिसे बोलते हैं। एक ही बेल से इतना बड़ा फैलाव हो रखा है
और कई कई कद्दू हम इससे ले जा चुके हैं घर के लिए, और ये भिंडी लगा हुआ है इसमें, ये कई कद्दू खा चुके हैं इससे। ये एक पौधा है, ये एक छायादार पेड़ है, चल रही आम आम बच गया पे। और आज हमारे फार्म पे आए हैं मन्नी भाई। कैसे मन्नी भाई आप? मन्नी भाई जो है विजिट करते हैं फार्म पे, आते हैं घूमने के लिए, साइकिलिंग करते हुए ताकि फिट भी रहें और खेत की तरफ जो है ग्राउंड भी लगा लेते हैं अपना साथ में। क्या कह रहे हो भैया? कच्ची फायदा होती है। अब पेड़ बता ले आराम से। छींटे पड़ रहे हैं बारिश के, इससे फायदा ये है कि जो हमने अभी न्यू प्लांटेशन किए गांव में, तो वो पौधे हमारे जो अच्छे से जो है जड़ पकड़ लेंगे अगर बारिश होती है। कल भी आसपास के एरिया में बारिश हुई थी लेकिन हमारे गांव में बारिश नहीं हुई, तो आज हमने जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको बोला था कि आप सफाई करने के बजाय आज जो है पौधों में पानी लगा दो ताकि पौधे जो हैं आराम से जड़ पकड़ लें। तो ये है हमारे फार्म की अपडेट। बताए सही हो रही भाई? बारिश तो होनी चाहिए भाई, तभी अच्छा रहेगा, यानी उमस भी थोड़ा हो रही है जो वो भी खत्म हो जाएगी, और जो हमने प्लांटेशन किए पौधों की सौंदर्यकरण के लिए वो भी अच्छा हो जाएगा उनके लिए। लोग जो हैं घास काट के वापस जा रहे हैं घर की तरफ। समझा देना उसको, वहां पेड़ है बता दिया।
खत्म हो गया पूरा। बचा के निकालना। तो दोस्तों ये थी आज की पोल्ट्री फार्म की ताज़ा अपडेट्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह आपको रोजाना नई नई जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में।